वक्त की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। हेलो सर। हेलो। इंडियन आर्मी? यस। कश्मीर से? अरे सर, एकदम सल्यूट है आप लोगों को। क्या काम कर रहे हो आप लोग सर? थैंक यू। वो न्यूज देखता हूँ मैं हर रोज, वो सीआरपीएफ के जवान को लात से मारा, मेरा तो मन करता कि सर इनको फेंचो। सॉरी सर। साले कुत्ते पत्थर फेंकते हैं हमारी इंडियन आर्मी पर। सर, इन लोगों के लिए कंट्री वंट्री कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मजहब। सर, इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। अब साले रहते यहाँ हैं और गीत वहां का गाते हैं। फेवरेट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, फेवरेट एक्टर फवाद खान। अबे साला, हमारा रणबीर कपूर क्या मर गया क्या? भैंचो। सॉरी सर। बात बात में फतवा निकाल दो और फिर दाढ़ी बढ़ाकर जिहाद जिहाद चिल्लाओ। आप ही बताइए, ये कोई बात है? हर चीज में बवाल, कभी ट्रिपल तलाक, कभी वंदे मातरम, अब बेचारे सोनू निगम के पीछे पड़ गए। अब क्या गलत बोला उसने? बाय द वे सर, मेरा नाम अतुल सक्सेना। हेलो, रशीद खान। बस जनाब, हम जानते हैं आप यहाँ पर क्यों आए। सच बताएं तो खून खोलता है हमारा जब आप जैसा फौजी हमारी दुकान पर आता है। आप बीच में मत बोलिए। आप जानते हैं हमने ये दुकान इनके लिए नहीं खोली थी। देखो, इन सब चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है, आप समझाने की कोशिश करें। अपने जज्बातों पर काबू रखो बेटा, और जो इन्हें चाहिए दे दो। बस जनाब, ये आखिरी बार है, आज के बाद अपने लोगों के लिए हमारी दुकान पर मत आना। जनाब, 40 अपने लोगों के लिए तो लेके जा रहे हो, लेकिन 400 सरहद पार वालों के लिए लेने भी जरूर आना। सुबेदार मेजर घट गए। ओह, ही इज डूइंग गुड नाउ, लास्ट वीक से काफी इंप्रूवमेंट है। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ। साहिब आते। अरे कहाँ रह गए थे छोटू? हैं? कुछ जलेबी वलेबी लाए हो कि नहीं साथ में? आखिरी 2-4 ओवर बचे हैं, जीत जाएंगे देखना। हाँ। क्या देख रहे हो? जाओ मिठाई लेकर आओ, जाओ जाओ। हेलो
खारगे साहब, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम रिटायर्ड हुए तो क्या हो गया साहब? हैं तो हम फौजी। जवान बेटा जब बॉर्डर पर तैनात हो और उसकी यूनिट का अफसर घर पर ये लिफाफा लेकर आया हो तो बेटे की खबर लाए हो। कुपवारा के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर सिविलियन इमरजेंसी को अटेंड करने वाली मेडिकल यूनिट पर कुछ घुसपैठियों ने हमला किया। लेफ्टिनेंट घाटगे ने अकेले 8 घुसपैठियों को मार गिराया। लेकिन एक ग्रेनेड उनसे 5 फीट की दूरी पर फटा। पलटन की लाज रख ली छोटू ने। बैकअप पार्टी वहां पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। साहब 2 जंग लड़ चुके हैं हम, पर मेरे बेटे को यह सम्मान शांति काल में मिला। वाह रे फौजी की जिंदगी, वाह। ये बात अच्छे है ना साहब कि क्रिकेट के मैदान पर ग्रेनेड्स और गोलियां नहीं चलती। आप तो जानते होंगे मैं क्या बताऊं, लेकिन लेफ्टिनेंट गाड़गे शानदार बैट्समैन थे। हमारे पलटन के सचिन थे सचिन, मैंने आज तक उनको आउट होते हुए नहीं देखा। अब कहां है वो? हमारा MI-17 कल श्रीनगर से उनको यहां लेके लैंड होगा, बेलगांव कैंप में। और कोई कैजुअलिटी थी? एक लांस नायक और एक जवान शहीद हो गए। उनके घर पर आप ही जाओगे? हौसला रखो साहब, ये सबसे हिम्मत वाला काम है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, कैप्टन मुखर्जी आपको असिस्ट करेंगे।
घाटगे साहब, मैं अपना नंबर यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। आगे अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जय हिंद। जय हिंद।